नमस्कार। नमस्कार। स्वराजनामा की ओर से आप सब दर्शकों का स्वागत है। स्वराजनामा यानी हिंदुस्तानी आजादी का रोजनामचा। आज पेश है हमारी श्रृंखला की आखिरी कड़ी। महीना है जनवरी। जनवरी 1930 संपूर्ण स्वराज प्रस्ताव की आम सभा में घोषणा। 17 जनवरी 1941 सुभाष चंद्र बोस कलकत्ते से फरार। 22 जनवरी 1946 आजाद हिंद फौज के 3 अफसरों का लाल किले में मुकदमा। जनवरी की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 26 जनवरी 1930 को लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में भारत के संपूर्ण स्वराज की मांग, और इसीलिए गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की शायद सबसे यादगार वार्षिक सभा सन 1929 में पंजाब की राजधानी लाहौर में इकट्ठी हुई। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और उन्होंने अपने भाषण में कहा, आज इस देश को विदेशी हुकूमत से छुटकारा दिलाने की हमारी खुली साजिश है। दिसंबर को भारतीय स्वराज का तिरंगा हर्षोल्लास के बीचों बीच लहराया। और 26 जनवरी को कई गांव और शहरों में सार्वजनिक सभाएं आयोजित की गईं, जहां पूर्ण स्वराज की शपथ को पढ़ा गया। 21 जनवरी 1941 को भारत भर में खबर फैल गई कि सुभाष चंद्र बोस अपने कलकत्ता के एल्गिन रोड मकान से, जहां वो ब्रिटिश सरकार की हिरासत में थे, गायब हो गए हैं। उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस ने प्रेस को बयान दिया कि सुभाष कई दिन से मौन व्रत सा ही रखे हुए थे, किसी से मिलते नहीं थे, अपने रिश्तेदारों से भी नहीं। उन्होंने कहा, कई जगह उन्हें तलाश किया जा रहा है मगर कुछ भी पता नहीं चला। अपने चाचा को खोजने के लिए उनके भतीजे शिशिर बोस कालीघाट मंदिर गए हैं। He was observing a strict silence for the past few days. In fact, he had not been seeing anybody, not even members of his family. You see, he had expressed a desire to spend his time in quiet meditation. We are all the more anxious because of the present state of his poor health. Enquiries have been made in various places for Subhash. But we have just not been able to locate him. My son Shishir had been sent to make inquiries at the Kalighat temple. लेकिन अप्रैल में शरद बाबू ने रविंद्रनाथ टैगोर को असलियत बताई कि सुभाष भारतीय स्वराज के लिए बाहर से लड़ने के लिए सरहद पार कर चुके थे। आमी सुभाषेर खबरेर जन्नो खूबी दुश्चिंताय आछी। शरद তুমি আমায় বলতে পারো। আপনি চিন্তা করবেন না গুরুদেব, আমি খবর পেয়েছি সুভাষ নিরাপদে দেশের বাইরে পৌঁছে গেছে। যুদ্ধের অবস্থার সুযোগ নিয়ে ও বাইরে থেকে দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। আপনি ওকে আশীর্বাদ করবেন গুরুদেব। For full 1 month and a half, day after day and night after night, we discussed the plan of escape from this house. The plan that eventually emerged was a foolproof one, because it has been worked out with meticulous care. The plan was that he would declare that he would be going into seclusion
to meditate by himself in this room, would not communicate with or see anybody, while I took him out of this house in my car and drove him to Bihar. So on that night, on that fateful night, he had his ritualistic sort of dinner in the presence of other members of the family. And later that night, about 1:35 a.m., the departure, the fateful departure, the great escape took place. पूरे डेढ़ महीने तक दिन रात इस घर से फरार होने के सिलसिले में योजनाएं बनाते रहे और एक फूलप्रूफ योजना निकाली भी गई। फैसला हुआ कि सुभाष मौन व्रत और तपस्या साधना का ऐलान करके अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगे, किसी से भी संपर्क नहीं रखेंगे और एक रात गायब हो जाएंगे। तय किए गए रात को उन्होंने अपने परिवार के साथ भोजन किया, फिर बंद गले का कोट पहना, चौड़ा पजामा और काली चुस्त टोपी। फिर उनका एक संबंधी औरोबिंदो बोस, नेताजी और शिशिर निकल पड़े। After reaching the ground floor, I bypassed and overtook Netaji and went on to open the left rear door of the car. Netaji went in, took his seat, and gently brought the door to himself. Without banging it, I turned round, went over to the right side of the car and took the driver's seat. कलकत्ता से पेशावर, फिर काबुल, मॉस्को और आखिर बर्लिन। उन जिरन उन अर्शुतल लिखन एंश्लुस देन काम्स बिसुम सीगे वाइटर टू फ्यूरन टू बिक्रेफ्टिगन इन दी दम काम्स देर फिर इंडियन आइन काम्स साइन ओदर निक्स साइन इस कानेस नूर आइनेन आउस्गांग गेबन उनसरन गिमाइंसमेन सिंह Lang leben die Dreifachmächte und ihre Verbündeten. Lang lebe das freie Indien. बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय लीजन की स्थापना की। यह एक स्वयंसेवक सेना यानी वॉलंटरी आर्मी थी, जिसमें भारतीय युद्ध कैदी भर्ती हो सकते थे। 26 जनवरी 1943 को भारतीय स्वराज दिन बर्लिन में बड़े पैमाने पर मनाया गया। फिर पूरब की ओर 90 दिन की सबमरीन के द्वारा उनकी रोमांचक यात्रा और जापानियों की ओर से उनका भव्य स्वागत। 1943 में राज बिहारी बोस के हाथों उन्हें आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपा जाना और उस साल के अक्टूबर में अस्थाई आजाद हिंद सरकार की स्थापना का ऐलान। दिसंबर में आजाद हिंद फौज का अंडमान द्वीप समूह में अपने कदम जमाना और फिर जापानी फौजों के साथ मणिपुर तक भारत में घुसकर अंग्रेजी फौजों से झड़पें। ये शायद नेताजी की आखिरी फोटो है। कहा जाता है कि इससे कुछ दिन बाद ही 18 अगस्त 1945 को ताइवान में वो विमान दुर्घटना में मारे गए।
22 जनवरी 1946 को आजाद हिंद फौज के तीन अफसर मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल सहगल और कर्नल ढिल्लों के खिलाफ लाल किले में स्थित मुकदमा खारिज कर दिया गया। मुल्क के तीन बेहतरीन वकील जवाहरलाल नेहरू, भुलाभाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू ने उनकी पैरवी की थी, मगर मुल्क भर में जबरदस्त खलबली के वातावरण ने सरकार को मुकदमा खारिज करने पर मजबूर किया। इत्तेफाक से कर्नल ढिल्लों आज यहाँ हमारे साथ हैं और उनके साथ हैं रानी झांसी रेजिमेंट की कर्नल लक्ष्मी सहगल। ये क्या ये है? हमारे जाने की बात है सिंगापुर में जो रानी ऑफ झांसी वेपन ट्रेनिंग रानी झांसी रेजिमेंट की सोल्जर्स बेनेट फाइटिंग कर रहे हैं। जापानी ने कहा इंडिया वीमेन सोल्जर वेरी गुड सोल्जर। हाँ यूरोपीय देश ने सो देश जो तो देश। हाँ आजाद हिंद प्रोविजनल गवर्नमेंट के मेंबरान कुछ मेंबरान हैं सहाय साहब यू आर देयर कर्नल लक्ष्मी नेताजी जनरल भोंसले कर्नल भगत जनरल जमान कियानी जनरल अजीज अहमद जनरल शाहनवाज खान एंड कर्नल गुलजारा सिंह। व्हाट ए डे। ये था वो दिन विच इज द फोर रनर ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ द एक्चुअल सॉवरेन गवर्नमेंट इन इंडिया। अगर वो लोग तो मानेंगे नहीं, वो माने ना माने हिस्ट्री तो मानेंगी। We will live taller when we are no more. अभी भी तो देख लीजिए 50 वर्ष लगे तो तब हमको मानने लगे नहीं तो we have been absolutely in the desert blues. कोई नहीं था जानता गली का कुत्ता क्या जानता था हमें उसको भी मेयर स्पोर्ट्स जो था वो ज्यादा अच्छा लगता था हमारे से। ये तो समय है समय बड़ो बलवान है कुछ नहीं बलवान। थैंक यू वेरी मच। कर्नल ढिल्लों सिर्फ आप तीन अफसरों का मुकदमा क्यों किया गया? ये आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है और हम लोग भी सोचते थे कि हमें क्यों चुना गया। हमारी खुद की कुछ किस्मती ये थी कि हम लोग तीनों एक ही एरिया के बीच में लड़े जहाँ के जापानियों की खांजो बताई जो थी उससे भी ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ थी। दरअसल ये माउंट पोपा के एरिया में वी थ्री fought so well के we qualified ourselves for the trial. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मृदुला मुखर्जी जो हमें इस मुकदमे के बारे में बताएंगी। Unfortunately for the British, they selected one Hindu, one Sikh and one Muslim and put them on trial. And this acted as a spur to the whole national movement to come out in defense of the INA prisoners. So what we had in India from about August till November of 1945 was a very powerful movement on the issue of save the INA prisoners, get them released, don't let the British punish people who'd done something out of patriotism. And we had very dramatic moments in this when at the Red Fort where these trials were being held, Jawaharlal Nehru and Bhulabhai Desai, two of the most important leaders of the national movement, donned their lawyers' robes after years of having given up being lawyers and went to defend the prisoners. In the country at large, in the streets, in the towns, and in the villages as well, there was a very strong feeling in favor of the INA prisoners, that they should not be punished. Now, this is very interesting because despite the fact that not many people in India thought that what Subhashchandra Bose was doing, that is going and taking help from the Axis powers, Germany, Japan, etc., and forming the Indian National Army and trying to liberate India through that method. Not many people agreed that that was the correct way to go about it. Joining with the Axis powers was thought to be undesirable, etc. Despite that, people dropped those differences, including people like Nehru, Bhulabhai Desai, etc.,
and completely supported the cause of the INA prisoners. This showed a very basic facet of the national movement, which is that at points of crisis, all the trends, all the different groups within the movement always came together. They had their differences, which they sorted out in between period of struggle. But when it came to the crunch, they all got together and fought the British together. जनवरी 1931 में दिल्ली में जोर शोर से तैयारियां हो रही थी क्योंकि 10 फरवरी को भारत की नई राजधानी का उद्घाटन होने वाला था और नई दिल्ली के आर्किटेक्ट्स एडवर्ड लैटियंस और हर्बर्ट बेकर की पूरी कोशिश थी कि राजधानी ब्रिटिश साम्राज्य की शान और शौकत का एक अप्रतिम प्रतीक बनाया जाए यहां मौजूद हैं से सुनीता कोहली जो राष्ट्रपति भवन का अलंकरण कर रही हैं सुनीता जी ब्रिटिश सरकार ने राजधानी कलकत्ते से हटाकर दिल्ली ले आने का फैसला किया वो किस वजह से द डिसीजन टू मूव द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू न्यू दिल्ली वाज टेकन एंड वाज कंफर्म्ड बाय इंपीरियल प्रोक्लेमेशन इन 1911 ड्यूरिंग द दिल्ली दरबार And the reason for this was that they felt that the capital was actually only for 4 months in Calcutta, and then it used to move for 8 months to Simla. And they felt that they needed another capital which was closer to Simla, which was the summer capital, and also which was had a more salubrious climate, and moreover, which was more central to the whole of India. So those were the sort of reasons for moving the capital. A lot of people felt huge reservations about whether the capital should be moved to Delhi and it shouldn't stay. And you know, the Hindus had reservations because it had been a Mughal capital. The Anglo-Indian sort of population in Calcutta didn't want their city to be relegated to that of a provincial state capital and so on and so forth. But at that time, one thing, of course, was certain. The whole Indian population felt, well, if the capital moves to Delhi, something will happen, which is that it has been the history of Delhi as a capital city, and it has been a capital city of many dynasties, that whenever a new capital was built in Delhi, it always presaged the fall of that particular dynasty. So... large amounts of the Indian population were happy at that. Ashish Nandi ek suprasiddh samajik vicharvant hai aur upniveshwad aur bharat pe uske asar ko lekar unki ek vishesh vichardhara hai. Shri Ashish Nandi. Ashish, upniveshwad ne bharat ke chintan par kis tarah ka asar choda hai? Aur pichle 5 dashkon mein kya is chintan mein kuch fark aaya hai? Well, the impression of colonialism on Indian mind is not confined to the last 50 years, though in the last 50 years the impression has become more conspicuous. It has become more conspicuous because now we do not belong to the British Empire, we are not subject to political and economic subjugation, and yet we have maintained structures in the society, culture and in our polity which are heavily impacted upon by the colonial memories. In other words, in a fundamental sense, colonial consciousness has become a self-sustaining process in India today. This is the major political fact as far as the impact of colonialism on India is concerned. The major long-term impact of colonialism is not so much political and economic, but psychological, in the sense that not only our concepts of what is correct and what is right
and what is proper and what is moral is heavily shaped by 200 years of colonial rule, but also the dissenting views which differ from the conventional concepts of the correct, the proper and the moral are also borrowed from the West. In other words, not only is our conformity, but even our dissent is in a fundamental sense not ours. This apart from the fact that colonialism has taken away our history, we look at our past through the Western eyes, it has taken away our future, we look at the future and envision the future in terms and categories which have been handed over to us by colonial powers. In fact, I would go further and say that our future as conceived by modern, westernized, educated Indians is no different from the present of the European and North American societies. We have lost the capacity to think in terms of disjunctive concepts of the future, disjunctive concepts of what we want to be, and disjunctive concepts of how we should use the resources available to us from our own past. Swarajnama ab khatm ho raha hai. Iski 13 kadiyon mein hum aapke samne angrezi hukumat ke 200 saal aur uske khilaf bharatiya sangram inki kuch jhalkiyan pesh kar paaye hain. Is shrinkhala ko taiyar karne mein hame anek kalakar, vidwan, vaigyanik aur chintakon ki madad mili hai. Iske liye hum shukrguzar hain. Iske nirman mein hame jitna maza aaya, उम्मीद है उतना ही मजा आपको इसे देखने में आया होगा. विदा लेने से पहले आइए अपने राष्ट्रीय झंडे के इतिहास पर जरा एक नजर डालें. भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने की कोशिश सबसे पहले स्वामी विवेकानंद की अनुयायी सिस्टर निवेदिता ने की थी. उस झंडे के बीच में अंकित था इंद्र भगवान का वज्रायुध और उसके किनारे 108 द्वीप. फिर 7 अगस्त 1906 को कलकत्ते के पारसी बागान की एक सभा में सचिंद्र प्रसाद का डिजाइन किया झंडा फहराया गया. बंगाल के विभाजन के विरोध में बुलाई गई इस सभा में इस झंडे का वंदन सुरेंद्रनाथ बनर्जी के हाथों हुआ था. ध्वज के 8 कमल ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रांतों के प्रतीक थे. फ्रांसीसी तिरंगे की ओर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस झंडे में भी 3 रंग थे. उसके एक साल बाद दबंग क्रांतिकार मैडम भिकाजी कामा ने अपना बनाया हुआ झंडा स्टुटगार्ड जर्मनी में स्थित विश्व समाजवादी कांग्रेस के अधिवेशन में लहराया. उसके अगले वर्ष ये झंडा वीर सावरकर, बीपी लाल और लाला लजपत राय ने लंदन में उड़ाया, जिस पे 8 कंवल के बजाय 8 सितारे अंकित थे. एक दूसरे किस्म का कौमी झंडा 1913 को कनाडा में गदर पार्टी ने अपनाया. फिर 1917 में होम लीग के दो नेता एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने ये नया झंडा तैयार कराया और ये उस वर्ष के कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पे उड़ाया गया. अधिवेशन की अध्यक्ष थी एनी बेसेंट. फिर 1921 को महात्मा गांधी ने पिंगले वेंकैया से एक दूसरा डिजाइन का परचम बनवाया. इस दुरंगी ध्वज का लाल रंग हिंदुओं का प्रतीक था और हरा रंग मुसलमानों का. बीच का चरखा स्वयं निर्भरता का निशान था. जल्द ही ये बदला गया और इसमें सफेद रंग शामिल किया गया, जो भारत के अन्य धर्मों का चिन्ह था. इसी तिरंगी झंडे तले 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का प्रण लिया गया. 30 अगस्त 1931 को ध्वज दिवस मनाया गया तो डिजाइन में फिर एक बार बदलाव आया. आजादी के मौके पर बद्रुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिसने फैसला किया कि झंडे के 3 रंग किसी धर्म के निशान नहीं, बल्कि जैसा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने समझाया, केसरी, सफेद और हरे रंग त्याग, प्रकाश और धरती के प्रतीक माने जाए और बीच का अशोक चक्र शांति और अहिंसा का चिन्ह माना जाए. ये झंडा पहली बार 15 अगस्त 1947 को लाल किले के बुर्जियों से लहराता दिखाई दिया.
Namaskar.